पर आज क्या हालत है, आज बिना परमिशन से न मोदी से मिल सकता है, न नड्डा साहब से मिल सकता है, और उनकी हालत ऐसी हो रही कि घर का कुत्ता न घर का न घाट का, यह हालत हो गई है। आज वो अपना लोकसभा में आखिरी बेंच पे बिठा दिए और बस ताली बजाते रहो, और कांग्रेस में था उसको अपना अग्रिम पंक्ति में बैठता था, पीछे पंक्ति दूसरी जगह बैठता था, और उसमें अगर वो यहाँ रहता कांग्रेस में तो उसको चीफ मिनिस्टर बनने का ही मौका मिलता। अगर युवाओं की बात आती, राहुल जी कहते नहीं युवा बनना, तो सिंधिया जी का नंबर था। पर आप भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसको तो ये सब सपने भूल गए, न जो चीफ मिनिस्टर बन सकता ना कोई और आगे लागते। 2022 में उनकी हालत अलग और ज्यादा बदतर कर देंगी वो, ये सारी चीजें। राहुल जी ये बोल रहे हैं कि उनको वापस आना होगा कांग्रेस में। भाई कांग्रेस में अगर कोई अगर अपनी गलती रियलाइज करके ओके कि मेरी गलती हो गई और माफीनामा लिख के आ जाए तो मिले सकते, तो राहुल जी ने कहा कि वो वापस आए उसके लिए दरवाजा खुला है। मगर नहीं नहीं, आप सिंधिया जी पेशकश कर रहे हैं तो अगर मान लो अपनी गलती रिलाइज करके आएंगे तो अवश्य हाईकमान माफ कर देगा, उसको ले भी सकते हैं। बिल्कुल, अगर सिंधिया जी भाई कांग्रेस का भविष्य तो मेरे सामने है, उज्जवल है, और 2023 में कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो परेशान हो गए तो इस बात को लेकर सिंधिया जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले समय बीजेपी का भविष्य अधिकार में है, तो अभी से वो कोशिश कर रहे हैं और राहुल जी के संपर्क में आ रहे हैं। ऋण माफी वाला मामला कांग्रेस पार्टी जो कहती है करती है, और हमने करके दिखाया है। कमलनाथ जी की सरकार में हमने वादा किया था कि 2-2 लाख कर्जा माफ करेंगे, हमने माफ किया। 15 महीने के अंदर हर किसान का 1-1 लाख रुपया माफ करके उनको सर्टिफिकेट दे दिया। और अगर सरकार हमारी नहीं जाती, ये भारतीय जनता पार्टी में खरीद फरोख्त करके विधायकों नहीं ले जाती, तो अभी तक 2-2 लाख कर्जा माफ हो जाता है। और हमने ये भी कहा था बिजली का आधा बिल माफ करें, हमने माफ किया। 100 यूनिट का 100 रुपया लेंगे वो हम लेते थे, वो भी कर रहे थे। लोगों को खाद्यान्न देने की, अगर किसी बच्चा पैदा हो उसको 50 किलो, किसी डेथ बने हो जाते हो दुखता के लिए 100 किलो, तो ये सब देने का काम हमारा चल रहा था। वो राहुल जी ने कहा अगर वो कांग्रेस में होते तो निश्चित उसका मुख्यमंत्री भी बना सकते और कोई जगह ले जाते थे। युवाओं की बात आती तो उनका नंबर था, पर वहां जाके उन्होंने अपना नंबर कटवा के और आखिरी पंक्ति में जाके बैठ गए हैं, और वहां से आगे बढ़ने वाले भी हैं।